अप्पा जान कहने वाले आसन हजम कर जाते थे। अब्बा जान पर बढ़ा सियासी घमासान। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है, इसीलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल दी। योगी का वार, विरोधी हैरान परेशान। तीर लेकर कूद पड़े ओवैसी भाईजान। ये समझते हैं कि इस तरह से बोलकर वो अपनी गिरती हुई साख को उठा पाएंगे। आया चुनाव, फिर हिंदू मुसलमान। किसी भी काम को पूरा नहीं किया तो अब ये इस तरीके के अल्फाज या इस तरीके की बातें करके ये चुनावी माहौल तैयार करना चाहते हैं अपने लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। समय हल्ला बोल का है, लेकिन उससे पहले इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में पुलिस ने पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके आतंकवादी हैं। आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक हथियार बरामद किए गए। आतंकवादियों की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली से हुई है। ये कुल 6 आतंकी हैं, जिनमें से 2 ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली है। सीधे अरविंद ओझा के पास लिए चलते हैं। अरविंद, कितने खतरनाक थे ये आतंकवादी, कितनी बड़ी साजिश को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने नाकाम किया है। जी देखिए, तकरीबन सईद ये 1 महीने से ये ऑपरेशन चल रहा था दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का, जिसमें 2 पाक ट्रेंड समेत कुल 6 आतंकी गिरफ्तार हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली से ये गिरफ्तारी हुई है। जो स्पेशल सेल सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है कि जो पाक ट्रेंड जो टेररिस्ट है वो लगातार जो दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र में जो स्लीपर सेल का इनका मॉड्यूल था, उनको बकायदा ये टास्क दिया था रेकी करने का, उसके अलावा किसी को हथियार के इंतजाम करने का। तो एक बड़ा मॉड्यूल बस्ट किया है पाक ट्रेंड, इसमें 2 टेररिस्ट हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। स्पेशल सेल इस पूरे मामले पर जल्द ही खुलासा करेगी, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। लेकिन ये बड़ी साजिश है सईद, क्योंकि इसकी सीरियसनेस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1 महीने से ये पूरा ऑपरेशन दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम चला रही थी। पहले जो 2 पाक ट्रेंड बहुत धन्यवाद अरविंद, अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। और आइए हम अपने इस शो पर अब बढ़ते हैं। अब्बा जान पर राजनीतिक घमासान बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरोधी कभी उनके भाईजान पर सवाल उठा रहे हैं तो कभी चुनाव के समय ध्रुवीकरण की कोशिश का योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा रहे हैं। अब की बार उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए कमर कस रहे असदुद्दीन ओवैसी योगी आदित्यनाथ के इस आरोप को ही खारिज कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का कभी तुष्टिकरण हुआ। तो आज हल्ला बोल में इसी सवाल का हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या अब्बा जान चुनावी तान बनेगा। लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट। अब्बा जान। योगी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके अब्बा जान वाले बयान ने सारे काम कर दिए। तीर निशाने पर लगा और विरोधी तिल मिलाए। पहले छूटवइयों ने पलटवार किया, फिर समाजवादी पार्टी के सुल्तान टीपू खुद आए। अब्बा जान कहने वाले आसन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था, और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है, और इसीलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई। उधर कल तक योगी के अब्बा जान पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं और सूबे के नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा था, लेकिन अब बात आगे निकल चुकी है। आला कमान की हैसियत रखने वाले राहुल गांधी ने योगी पर वार किया। जो नफरत करे वो योगी कैसा। राहुल के ट्वीट पर योगी ने लिखा, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। और हाँ राहुल जी, अपराधियों और उपद्रवियों के साम्राज्य पर बुलडोजर चलाना अगर नफरत है तो ये नफरत अनवरत जारी रहेगी।
बहरहाल अब्बा जान कहकर योगी ने पिछली सरकारों पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया तो उन्हें नागवार गुजरा जो यूपी के चुनावी बॉक्स ऑफिस पर पहली बार रिलीज हुए हैं और जिन्होंने मुस्लिम वोट बैंक की बदौलत सुपरहिट होने का सपना पाल लिया है। हम यहाँ पर हैं तो जिना के पैगाम को रिजेक्ट किए, टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किए तो यहाँ पर है तो इनको हर आदमी इनको वही लगता है जो माइनॉरिटी एम्पावरमेंट की बात करता है तो इनको वही लगता है बस वही पुराना कैसेट चलाते हैं। ये समझते हैं कि इस तरह से बोलकर वो अपनी गिरती हुई साख को उठा पाएंगे मगर उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है उनको। योगी के अब्बा जान पर उन्होंने भी अपने तीर तरकश से निकाल लिए हैं जो नए नए राम और बजरंग बली के भक्त हुए हैं और जिन्हें लगता है कि यूपी के चुनाव में हिंदू दिखने का थोड़ा फायदा तो हो ही सकता है। इन लोगों की राजनीति इसी पे टिकी है, लोगों को लड़ाते रहो, कभी अब्बा जान की बात कर लो, कभी ओवैसी की बात कर लो। जब जनता पूछती है भाई स्कूल कहाँ है, मैं तो आम आदमी के रूप में आया था लखनऊ में स्कूल ढूंढने, भाई स्कूल बता दो कहाँ बनवाए। एक पिता अपने बच्चे को डेंगू से बीमार बच्चे को साइकिल पर लेके आया है और उसको अस्पताल में बेड नहीं मिला, वो वापस लेके जा रहा है, जरा उसको भी देख लें, उसको देखें और उससे बात करें कौन सा जान याद आ रहा है। तो क्या अब्बा जान वाला बयान यूपी के चुनावी घमासान का सिर्फ ट्रेलर है? तो क्या जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे पूरी पिक्चर साफ होगी? तो क्या उस पिक्चर में ओवैसी भी बड़ी भूमिका निभाएंगे? तो क्या यूपी के चुनाव का सबसे बड़ा एजेंडा हिंदू मुसलमान होगा? अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे साथ इस समय गौरव भाटिया जी, रागिनी नायक जी, अनुराग भदौरिया जी, वारिस पठान जी और अवनिजेश अवस्थी जी हैं। आप पांचों को नमस्कार और पांचों का धन्यवाद हमारे इस शो में शामिल होने के लिए। गौरव भाटिया जी, क्या अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे अखिलेश यादव के लिए किया था? और यदि हाँ, अगर आप इससे सहमत हैं गौरव जी, तो क्या ये शब्द इतना जरूरी था? सीधे नाम नहीं ले सकते थे कि अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव? देखिए सैयद जी, ये भी गजब की बात है, जो अपने आप को मौलाना मुलायम बुलाते थे, जो ये लोग कहते थे कि भाई हम तो मुस्लिमों की पार्टी हैं, आज वो लोग अब्बा जान कहने पे आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। और पहले समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी को शायद अब्बा जान से इसलिए नफरत हो क्योंकि वो ही इकलौते नेता हैं, आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूं, जिन्होंने अपने अब्बा जान को कुर्सी से हटाया, जिन्होंने अपने चाचा के साथ लड़ाई लड़ी और उसके बाद खुद कुर्सी पे बैठ गए। लेकिन आज जो बड़ा मुद्दा है मैं आपको बताऊं, योगी जी ने जो बात कही उसकी एक पृष्ठभूमि है, जो गरीब का अनाज था ना सैयद जी, जी वो कुशीनगर से होते हुए नेपाल पहुंच जाता था अब्बा जान की सरकार में, और इस पे सीबीआई जांच के आदेश दिए थे उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई थी कि गरीबों का अनाज अब्बा जान की सरकार क्यों खा रही है। और देखिए अनुराग जी बोल लेने दीजिए, गौरव जी के बाद आप ही का नंबर है। अनुराग जी प्लीज, बोलेगा तो मैं बोलूंगा। नहीं नहीं अनुराग जी, इन्होंने अनुराग जी सुनिए ना प्लीज, व्यक्तिगत हमला किया है अनुराग जी, व्यक्तिगत अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग, अरे नहीं बीच में मत बोलिए आप, बीच में प्लीज मत बोलिए, खत्म कर लेने दीजिए, समय नष्ट होता है। अनुराग जी आपसे निवेदन है प्लीज, गौरव जी अपनी बात पूरी कीजिए। धन्यवाद। देखिए आज सारे दर्शक और उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है क्या बदला, लेकिन मैं फिर भी बता दूं संक्षिप्त में। पहले जो पुलिस होती थी वर्दीधारी, ये आजम खां की भैंसे ढूंढती थी, आज पुलिस ने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे जो गुंडे हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला है। अंसारी जी याद करिए आप किस तरह से मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे और आरोपी चार्टर फ्लाइट में बैठ के अखिलेश यादव से मिलने आ रहा था, आज दंगे होते नहीं है, ये फर्क है। पहले 5.5 सीएम होते थे, लोग पूछते थे मुख्यमंत्री कौन, तो कहते थे वो आधा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है, बाकी 5 अलग है। आज एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 5.5 से ज्यादा से बराबर है,
आप बताइए, एक ऐसा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव था जो अपने परिवार को नहीं संभाल पाया, अब्बा जान से लड़ाई हो गई, चचा जान से लड़ाई हो गई, एक ऐसा मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी आए हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता को ही अपना परिवार समझते हैं। और अंत कर रहा हूं, एक ऐसा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो सरकारी बंगले की 200 रुपए की टोटी चुरा लेता है, और अब योगी आदित्यनाथ जी हैं जिन्होंने भव्य राम मंदिर के लिए खुद अपना जो उनका जोड़ा हुआ धन था उससे एक चंदा दिया कि भव्य राम मंदिर बने। ये फर्क है, ये समर्पण का फर्क है, ईमानदारी का फर्क है। और हाँ, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि ये बुलडोजर पार्टी है। अरे भैया, आप क्या जालीदार टोपी पार्टी हो? आपकी जालिया गिने आप में ज्यादा है या AIMIM में ज्यादा है? तुष्टिकरण सांप्रदायिक राजनीति करना ही आपका प्रतीक बन गया था, वो ही बदला है। धन्यवाद। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग जी एक सेकंड सवाल आपको, गौरव जी से एक सेकंड कम मौका नहीं मिलेगा, बल्कि आप ज्यादा ही बोल लीजिएगा। अनुराग जी, अगर कोई अब्बा जान का इस्तेमाल करता है तो उत्तर प्रदेश की जनता, हमारे देश की जनता, वो संवेदनशील है, वो भावुक है, उसे बुरा लगता है। तो जो गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा है या जो व्यंग्य कर रहा है उसको वो सबक सिखाएगी, और सबसे बड़ा हथियार जनता के पास है। तो अब्बा जान से बुरा समाजवादी पार्टी को क्यों लग रहा है? आप तो नाकामी गिनवाइए, वोट मांगिए, आपके पास तो बहुत बढ़िया मौका है, 6 महीने का समय है। देखिए, दिक्कत यह है कि जब आपने यहाँ पे डिबेट अपनी शुरू की तो बात तो इसी पे है ना कि भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में क्या काम किया इस पे बताया, जो समाजवादी बार बार उनसे पूछ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता व्यक्तिगत हमले पे हैं, तो मैं तो ये भी पूछूंगा ना कि ये बताइए कि एहसान फरामोश इस दुनिया में कौन है? जो एहसान दुष्कर लेता है उसके बाद एहसान फरामोश दुनिया में कौन है जो किसी के ये दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों के पहले पैर पकड़ता है उसके बाद फिर उसके उसको मारने के लिए दौड़ता है? ये तो हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार नहीं है कि आप पैर पकड़ोगे फिर गाली दोगे आज बैठ के? तो ये तो हिंदुस्तान, ये तो बीजेपी वाले भी देखते होंगे ना कि आज उनको उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, कल मोदी अमित शाह जी के बारे में बोलेगा फिर सरकार इधर से उधर चले जाएगी। तो जो एहसान फरामोश होते हैं उनका कोई ईमान धर्म नहीं होता है, और हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। ऐसे लोग सिर्फ वो कहते हैं ना फुटबॉल की तरह, और कहते बिना पेंदी की तरह इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी इधर, कभी इसको उल्टा सीधा बोलेंगे कभी उसको सीधा बोलेंगे, तो लोग उनको थोड़ा सा बोलते हैं कि ये डिस्टर्ब है, इनकी कोई दिक्कत नहीं, इनको माफ करो। ऐसे लोग थोड़े से विक्षिप्त होते हैं ना, क्योंकि उनको पता ही नहीं क्या बोलना है, वो अपनों की बुराई करने लगते हैं कभी कभी। दूसरी बात, हमारा सवाल दूसरा है, हमारा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में 4.5 साल की सरकार होगी, अब सरकार ये बताए कि सरकार ने 4.5 साल उत्तर प्रदेश को क्या दिया? उत्तर प्रदेश को उन्होंने लाचारी दी, उत्तर प्रदेश को उन्होंने मौतें दी, जिस तरह से कोविड काल में लगातार यहाँ लोगों की मौतें हुई, ऑक्सीजन समय से नहीं मिले थे, तरह तरह के लोग मर गए, इसके बारे में चर्चा नहीं करते, वो इतना हल्ला मचाते हैं, बच्चों की लगातार मौतें हो रही है, एक एक जिले में 70-70 बच्चों की मौतें हो गई, माँ की गोते सूंठनी हो गई, उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ किसान धरने पे बैठा है, 700 से ज्यादा किसानों की मौतें हो गई, परिवार के परिवार उजड़ गए, ना जाने कितनी हमारी बहनें विधवा हो गई, उसके बारे में चर्चा नहीं। जहरीली शराब पीने से उसी अलीगढ़ में इतनी बड़ी रैली हुई, वहां पे जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें, उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं? और महंगाई बेरोजगारी आत्महत्या कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल की कीमत क्या है, उसके बारे में चर्चा नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई सरकार आपकी है, शासन आपका है, फिर आप जनता की समस्या की बात क्यों नहीं करते? आप व्यक्तिगत हमले क्यों करते हो? व्यक्तिगत हमले पे तो मैं इतना करना शुरू कर दूंगा कि बीजेपी प्रवक्ता उठ के भाग जाएंगे, तो मैं तो इनके यानी इनके पिताजी तक चला जाऊंगा। इनके पिताजी तो भाई समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी के अनुराग जी मैं उत्तर दूंगा। नहीं, गौरव जी रागिनी जी के पास एक एक रिएक्शन सबका ले लें उसके बाद। ठीक है अनुराग जी, ठीक है अनुराग जी, नहीं गौरव जी आपका नंबर आएगा, एक एक रिएक्शन सबसे ले लें प्लीज। नहीं हो सकते, ठीक है, मान ही नहीं सकता ऐसे लोगों का हिंदुस्तानी होना। अनुराग जी सत्य ही नहीं है कहीं ना कहीं। अनुराग जी, अनुराग जी अगली बार जब आएगा, रागिनी जी हमने शमशान कब्रिस्तान की राजनीति भी देखी और चुनावों के दौरान वो भी देखा, अब अब्बा जान, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में आपके पास उत्तर प्रदेश की जनता के मुद्दे उठाने का इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता? और तुष्टिकरण, हिंदू मुसलमान, जाति धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय सिंह, इनसे हटकर आप
मुद्दे उठा सकती है, लगता है आपको एक मौका देखती हैं आप? बिल्कुल हटकर मुद्दे ही उठा रहे हैं, इसीलिए हट गई है जमीन भारतीय जनता पार्टी के पांव के नीचे से। पर आज एक बात मैं बड़े साफगोई के साथ आपसे कहना चाहती हूं सैयद अंसारी जी, और आपके दर्शकों से भी कहना चाहती हूं कि राजधर्म का पाठ जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नरेंद्र मोदी जी को पढ़ाया था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आज उसी राजधर्म के पाठ की सबसे ज्यादा जरूरत तथा कथित उत्तर प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री जी को है, जिससे कि उन्हें समझ में आ जाए कि जो मुख्यमंत्री है वो अभिभावक होता है, वो विभाजक नहीं होता, वो वैमनस्य और नफरत को फैलाने वाला कभी नहीं बन सकता। मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। पर अब योगी जी क्या करें, मुझे उनकी दयनीय स्थिति भी समझ में आती है। जिस मुख्यमंत्री को जनता के पैसे द्वारा अपने ही वाहवाही करने के लिए जो इश्तेहार लगाना था उसमें भी फ्लाईओवर बंगाल से उधार लेना पड़ा और फैक्ट्री अमेरिका से उधार लेनी पड़ी, तो उस प्रदेश में विकास तो शून्य है, सिफर है, जीरो है, नील बटा सन्नाटा है। तो जिस तरह डूबते को तिनके का सहारा होता है, वैसे ही डूबती भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का सहारा होता है। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि ये भूख पर भी धर्म की राजनीति कर रहे हैं, राशन पे सवाल था। दुख की बात यह है कि ये माँ बाप पर भी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। और अगर राशन, भूख और गरीबी की बात आती है तो मैं याद दिलाऊंगी सैयद अंसारी जी कि इस देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज का मोहताज बनाने वाले का नाम नरेंद्र मोदी है। 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे पहुंचाने वाले का नाम नरेंद्र मोदी है। 97% लोगों की आय कम कराने वाले का नाम नरेंद्र मोदी है। और आज जब वही नरेंद्र मोदी अलीगढ़ जाते हैं और फीता काटते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता उनसे पूछती है कि 4.5 साल में क्या किया। आज आप एक यूनिवर्सिटी का फीता काटने आ गए लेकिन संकल्प पत्र में तो भाजपा ने लिखा था कि 5 साल के अंदर अगर सरकार रही तो 6 एम्स बनाए जाएंगे, 25 मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज होगा। तो ये 4.5 साल का ब्यौरा देने का समय है, ये 4.5 साल की उपलब्धियां गिनाने का समय है। एक तरफ ये कहते हैं ये लोग भारतीय जनता पार्टी के, भाजपा के, एक मिनट भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं सड़कें बहुत अच्छी हैं, और वहीं मोदी जी कहते हैं कि हम सड़कें, नेशनल हाईवे तो हम बेच रहे हैं क्योंकि वो घाटे में चल रहा है। तो मैं योगी, मोदी और भाजपा के प्रवक्ता से कहना चाहती हूँ, तुमसे ना हो पाएगा मोदी जी, योगी जी, भाजपा, तुमसे ना हो पाएगा। हम रागिनी जी, यहाँ पर भाषा के संयमित होने की, भाषा की मर्यादा की भी थोड़ी सी बात कर रहे हैं और उस पर आगे आएंगे, एक एक रिएक्शन आ जाए तो सवाल उत्तर दे सवाल, नहीं गौरव जी, दो मेहमान और बचे हैं, अवनी जी जी और सैयद जी। ये ठीक बात नहीं है, एक बात आप बताइए, आपने ऐसे बुलाए हैं वारिस पठान जी, भाजपा का विरोध करेंगे वारिस पठान जी, देने का अवसर नहीं, आप दोनों मत बोलिए, दोनों की आवाज बंद कर दीजिए। वारिस पठान जी आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि अब्बा जान कहने से किसका तुष्टीकरण हो रहा है, उस और किस तरफ उनका इशारा है? और असदुद्दीन ओवैसी यह भी कहते हैं कि मुसलमानों का तो कभी उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण हुआ ही नहीं, तो फिर किसका तुष्टीकरण हुआ? और आप अगर नहीं हुआ तो क्या आप मुसलमानों का तुष्टीकरण करने उत्तर प्रदेश में आए हैं पठान साहब? देखिए साहब, योगी जी ने अगर 4.5 साल काम बराबर कर लिया होता तो उनको इस तरह से अब्बा जान, खाला जान, अम्मी जान, पप्पा, डैडी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये शमशान, कब्रस्तान, ये सब राजनीति ये शुरू कर देंगे, क्योंकि कुछ काम ही नहीं किया तो वेस्ट बंगाल का दिखा देते कभी के भाई ये मेरा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर फोटो लगा दिया, कभी अमेरिका के फोटो निकाल के दिखा दे के मैंने ये कर दिया, जबकि योगी सरकार 4.5 साल में पूरी तरह से डेवलपमेंट के मुद्दे पे फेल हो चुकी है। मैं आपको आंकड़ा दिखाना चाहता हूं सईद भाई, अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड कितना हो गया है? 34 लाख। और ये मैं नहीं बोलता हूं, योगी सरकार ने असेंबली के अंदर जो डाटा पेश किया था उसके अंदर लिखा हुआ है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन 66% बढ़ गया है योगी राज में 4.5 बरस के अंदर, मतलब एक दिन में 164 क्राइम होता है वुमेन के अगेंस्ट। और अगर सईद भाई मैं नहीं भूल रहा हूं तो आज 14 सितंबर है, आज ही शायद हथरस हुआ था, एक साल पहले क्या हुआ था आप हमने सबने देखा, हथरस के अंदर के पीड़िता को जला दिया गया, उसके बिना मां बाप की इजाजत के FIR पुलिस नहीं रजिस्टर कर रही थी, और यही लोग आके बड़ा पंचायत किए थे और सपोर्ट कर रहे थे उन लोगों का, तो शायद आज ही का वो दिन था हथरस जो देश की जनता कभी नहीं भूलेगी और उसका जवाब योगी जी को देना पड़ेगा। अब जो असद साहब ने कहा मैं उसके बाद बताता हूं किसकी पुष्टिकरण हो रहा है, किसका अपीसमेंट हो रहा है, उसके भी आंकड़े मेरे पास है। आज भी यूपी के अंदर ड्रॉप आउट रेट मुसलमानों का हाइएस्ट है,
क्यों मुसलमानों के एरिया के अंदर स्कूल और कॉलेजेस नहीं बनाए ये लोगों ने, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए का बजट दिया था माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए, उस बजट में से योगी सरकार ने तो सिर्फ 1,000 करोड़ ही इस्तेमाल किए, तो बाकी का बजट का क्यों इस्तेमाल नहीं किया। प्रधानमंत्री आयुष योजना जो ग्रामीण की थी वो 2017-18 का अगर आप आंकड़ा देखोगे शहीद भाई, तो उसमें 7.5 लाख घर नॉन मुस्लिम को दिए, हमारे हिंदू भाई बहनों को दिए, और मुसलमानों को कितने दिए हैं आपको जानकर हैरानी होगी, सिर्फ 10 घर। तो ये क्या है, ये क्या सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हो गया? ये जो प्रधानमंत्री बात करते हैं रात दिन, किस तरह से विश्वास हासिल होगा? उत्तर प्रदेश में नहीं, भाजपा ने तो अपनी पूरी पॉलिटिक्स इसी के ऊपर चली है, धर्म पर राजनीति करना, कम्युनल राजनीति करना, पोलराइज करना, और इन्हें तो दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू कर दिया था, मुसलमानों के जेनोसाइड की बात वहां से शुरू हो गई थी। उसके बाद कानपुर में आपने देखा एक ऑटो रिक्शा वाले को 8 साल की बच्ची के सामने मारा गया JSR के नाम पे। तो इनका पॉलिटिक्स जो है ये पॉलिटिक्स सिर्फ कम्युनल पॉलिटिक्स है, क्योंकि अगर यहाँ पे गौरव भाटिया जो भाजपा के प्रवक्ता है वो बैठे, वो बता ही नहीं सकते कि 4.5 साल में योगी ने विकास का काम क्या किया, क्योंकि योगी टोटल फेल हो चुके। कोविड काल में आप हमने सबने देखा, पूरे देश ने देखा कि किस तरह गंगा के किनारे के ऊपर शव बह रहे थे, वो जो बड़े हुए शव थे उनको कुत्ते नोच नोच के खा रहे थे। आज भी एक 10 सेकंड लूंगा आपसे, 10 सेकंड समाप्त कीजिए प्लीज। मोदी जी गए अलीगढ़ को, 110 किलोमीटर की दूर के ऊपर है फिरोजाबाद, जहां पर बच्चे मर रहे हैं फीवर और डेंगू की वजह से, उनको अस्पताल मौजूद, उसको अस्पताल नहीं मिल रहा, तो क्या मोदी जी उनके घर वालों को जाके नहीं मिल सकते थे? क्यों नहीं मिले? अरे वो बच्चे है ना 18 साल के अंदर वाले, उनके वोटर नहीं है, तो कौन तुष्टिकरण की राजनीति कर रहा है ये पूरा देश देख रहा है, कौन पोलराइजेशन की राजनीति कर रहा है ये पूरा देश देख रहा है। हम वहां जा रहे हैं शहीद भाई, हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए, हम जा रहे हैं कि जो 60-70 साल से मुसलमानों का वोट तो लिया ठीक है, अगले 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 और जिनके लिए कुछ किया नहीं, अगले चंद में फिर से आएंगे समय थोड़ा कम है, गौरव जी तैयार करने जा रहे हैं और हम करके आएंगे इंशाल्लाह, हमको यकीन है। ठीक है बारिश जी, अवनिजेश अवस्थी जी, सर ये जो हम एक आदर्श राजनीति का सपना देखते हैं भारतवर्ष में, क्या आपको लगता है कि वाकई हमारे विभिन्न राजनीतिक दलों के पास अपने, अगर वो सत्ता में हैं तो उनके काम गिनाने को कम पड़ गए हैं, अगर वो विपक्ष में हैं तो वो इतनी दृढ़ता के साथ खड़े नहीं हो सकते, सत्ता के सामने आईना दिखाने की उनमें शक्ति नहीं है, और क्या यही अवस्थी सर कारण है कि हमें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है जो किसी को चुभे, किसी को बुरी लगे, मुद्दों से हटकर और तू तिगाड़े पर हम लोग आ जाते हैं, मर्यादा कहीं ना कहीं भूल जाते हैं हमारे राजनीतिक दल? सर सही जी एक बात तो ये कि अब्बा जान शब्द अगर असंसदीय है, अगर किसी को बुरा लगता है अपमानजनक लगता है, तो बाकायदा कहें यहाँ पर कि अब्बा जान शब्द जो है वो असंसदीय है, अपमानजनक है, मान लेंगे, माफी मांग लेंगे कि पहले मान लीजिए कि अब्बा जान शब्द जो है वो अपमानजनक है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा भारतीय राजनीति की, भारतीय राजनीति में तो ये बहुत ही नीच किस्म का आदमी है, सिर्फ नीच नहीं का, पूरे भाव हाव भाव भंगिमा के साथ कांग्रेस के मंत्री ने कहा, भूतपूर्व मंत्री ने कहा जो कि बहुत ही नीच किस्म का आदमी, और बाकी जो कुछ कहा बीके हरिप्रसाद ने, गंदी नाली का कीड़ा है बिच्छू, मतलब इतना कुछ कहा, वो पब्लिक डोमेन में है सब कुछ। लेकिन बात सही था, एक अब्बा जान शब्द पर आकर टिक गई, बात अब्बा जान की नहीं थी, बात ये थी कि वो जो गरीबों को राशन मिलना चाहिए था वो जाता कहाँ था, जो घोटाले हो रहे थे वो क्यों घोटाले हो रहे थे, ऐसे करोड़ से ज्यादा लोग मिले जो थे ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, उनको पेंशन मिलती थी वृद्धावस्था पेंशन, वो टैक्सपेयर के पैसे से, मेरे पैसे से मिलती थी, आपको मालूम है। और मैं आपको याद दिला दूं कि शिवपाल यादव उस समय मंत्री थे अखिलेश यादव की कैबिनेट में, और उन्होंने IAS ऑफिसर्स की मीटिंग में कहा था भैया इतना खाओ जितना चल सके, आपको याद होगा ना, नहीं तो निकालिए अपने उसमें से, बड़ा वायरल हुआ था वो। इस तरीके से जिस जो करप्शन की, जो भ्रष्टाचार की खुली छूट मिली हुई थी, सवाल उस पर खड़ा किया गया था, उस पर से मुद्दा हटाने के लिए शब्द अब्बा जान को पकड़ लिया गया। अरे सवाल है तो सवाल इस बात का जवाब दीजिए ना, मुद्दा तो यह है कि क्या यह सब कुछ हो रहा था, क्या इस तरीके के कारनामे हो रहे थे उस समय, ये सवाल है। और जहां तक आपने कहा कि अपने कार्यों को गिनती, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इलेक्शन लड़ेगी उसके पहले अपना दिखाएगी कि हमने क्या क्या किया, जनता को समझ में आएगा तो वोट देगी। अब कम से कम EVM का रोना तो कोई नहीं रोएगा ना, कम से कम
अब ईवीएम ईवीएम तो कम से कम मान गए ना कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती, कम से कम इतना तो आज कह लें कम से कम। ठीक है सर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, 6 महीने से कम का समय बचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक शब्द अब्बाजान का इस्तेमाल किया और समाजवादी पार्टी के साथ साथ पूरा विपक्ष जो है वो अब घेर रहा है बीजेपी को इस शब्द को लेकर। गौरव भाटिया जी, गौरव जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की तरफ से आप अगर 3 बातें ऐसी उत्तर प्रदेश की जनता को बताएं जिस पर वो आंख मूंद करके सबको इग्नोर करके आपको दोबारा सत्ता दे दे, और कोई एक बात ऐसी इन 4.5 सालों में गौरव जी जो आपको लगता है कि वो दिल पर हाथ रख के कि हाँ ये कसक रह गई, काश ये ना होता या ये हम उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए और कर पाते। सैयद जी मैं बिल्कुल बताऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है, पहले भाग में भी मैंने बताई थी 5 ऐसी बातें जो बदली हैं। लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के सैयद जी मुझे ये बताइए, ऐसा क्यों है कि हमेशा 3 जो है विरोधी पार्टी के प्रवक्ता होते हैं, और चलिए मैं 2 भी मान लेता हूं जो भाजपा का पक्ष रखते हैं या समर्थन करते हैं, कभी 3-2 का अनुपात बदलेगा। रागिनी जी प्लीज बोलने दीजिए उन्हें, आपसे पूछ रागिनी जी डाइवर्ट होते हैं, समय नष्ट होता है, मुश्किल से 1.5 मिनट का समय है गौरव जी के पास। नहीं रागिनी जी प्लीज प्लीज 1.5 मिनट का समय गौरव जी को बोलने दीजिए, 1.5 इससे ज्यादा इस सेगमेंट में मिलेगा नहीं मौका आप लोगों को। हाँ गौरव जी प्लीज अपनी बात पूछ दीजिए प्लीज। देखिए आप व्यक्तिगत टिप्पणियां आपके चैनल पे हुई, मैं उनमें समय नहीं गवाऊंगा, लेकिन हाँ एक प्रश्न पूछा गया कि कोई पैर पकड़ता था और एहसान फरामोश है, तो पूरा देश जानता है कि ऐसा बेटा कौन है, ये पहेली बुझाना मुश्किल नहीं है, किसी ने अपने अब्बा जान का पैर पकड़ के कुर्सी से उतारा था, ये सत्य है। दूसरी बात, मैं कांग्रेस पार्टी पे आता हूं, आपको मालूम है सैयद जी कांग्रेस पार्टी की लड़ाई हमसे है ही नहीं, इनकी लड़ाई है AIMIM से कि 1-2 सीटें आ पाएंगी या नहीं आ पाएंगी, और जितनी सीटें हम लखनऊ शहर से जीत के आएंगे ना उससे कम सीटें ही कांग्रेस की पूरे उत्तर प्रदेश में आएंगी। बात कर रहे थे विकास के उधार लेने की, मैं इनको बता दूं इनकी तो अध्यक्षा उधार पे इटली से आई थी, ये हमें बताएंगे, और विकास तो इतना हुआ कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल जो उत्पादन की फैक्ट्री है वो नोएडा में है, इनको पता नहीं है जो हमारी स्टेट डोमेस्टिक आपका नंबर है। इसके बाद अनुराग जी, अनुराग जी आप ही का नंबर है प्लीज, गौरव जी के पास बाद आपका नंबर है, अरे सबका नंबर आएगा ना प्लीज। वो बहुत बुरा लगता है कि आप लोगों के ऑडियो बंद कर दिए जाए, बहुत बुरा लगता है। गौरव जी प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए, टोका नहीं जाएगा, बताइए सैमसंग धन्यवाद समाजवादी लगाई और बीजेपी, गौरव जी अपनी बात पूरी कीजिए, राम राम जपना पराया काम अपना, गौरव जी शांत कराइए तोता उड़ेगा, वरना उनका ऑडियो बंद हो गया, आप प्लीज अपनी बात बंद कर दूंगा, ऑडियो बंद हो गया अनुराग जी का, पकड़ना छोड़, थैंक यू। देखिए जो स्टेट की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इनको कोई मौका नहीं देगा, ये रिजेक्टेड है बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी हैज बीन रिजेक्टेड, नो मौका, बल्कि डिबेट के जब अंत होगा तो इनको पता चल जाएगा, लेकिन जनता अरे ऐसी लात पड़ी राहुल गांधी उनका इटली का, ऐसी लात पड़ी अध्यक्षा 2 साल से निकली नहीं है अपनी अपने बंगले से, चुप हो जाइए, बीच में मत बोलिए, रागनी गंदा राग मत लापो, जो आ गए हैं ना भारत में राज करने के लिए, रागनी गंदा राग मत लापो, उन्हीं के कारण देश का अच्छा नहीं लगता, 3-4 सीटें आएंगी, जमानत जब्त हुई तुम्हारी भी जमानत जब्त हुई, सैयद अंसारी जी आप है वहाँ पे, सैयद अंसारी जी कहीं है, ये छुटकू छुटकू पार्टी को हटाइए, ये तो अभी भारतीय राजनीति की ये ढोल है, इसको हर कोई बजा देता है, इसको ढोल ढोल बजाता है, अरे जमानत जब्त हुई तुम्हारी, विधानसभा का चुनाव लड़ी दिल्ली से, जमानत जब्त हो गई तुम्हारी, राहुल गांधी अमेठी से हार गया, सैयद अंसारी जी ये गलत है, देखिए इसी रागिनी भाव कहते हैं, मैं आज तक पे आरोप लगाता हूं उसको, हां नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, रागिनी जी आपसे मना किया था ना बोल लेने दीजिए उन्हें, अरे रागिनी जी आपका मौका आएगा ना, समाजवादी की सरकार थी तो वहां जाकर बैठ गए, रागिनी जी आपका मौका आएगा ना, रागिनी जी गलत बात, रागिनी जी प्लीज, रागिनी जी बस आप आवाज बंद कर दीजिए सबकी, गौरव जी अपनी बात पूरी कीजिए, क्या गलत बात है ये, इटली इटली क्या होता है, अच्छा ठीक है ये अंग्रेजों का जहाज है, क्या इटली इटली
गौरव जी अपनी बात पूरी कीजिए। अच्छा राजनीति जी की आवाज बंद है, नाजायज औलाद भी है कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में नाजायज औलाद है, बंद कराइए इनको, भोपू बंद कराइए। चलिए बदतमीज प्रवक्ता, एक आंकड़ा पता नहीं है, 7 सीटें आई थी उत्तर प्रदेश में, लात पड़ी थी खुद की जमानत जब राहुल गांधी अमेठी हार गए, अध्यक्षा 2 साल से निकली नहीं है अपने बंगले से, बातें कर रही है यहाँ पे, चुप कराइए। गौरव जी आपके पास 30 सेकंड का समय है, प्लीज अपनी बात। धन्यवाद, मैं उपयोग करूंगा उस 30 सेकंड का। देखिए जो स्टेट का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था वो 6ठे स्थान पे था जब योगी जी मुख्यमंत्री बने, और वो 2रे स्थान पे पहुंच गया। मैंने आपको बताया किस तरह से गुंडों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। AIMIM पे आते हैं, ये बात करते हैं पंथ निरपेक्षता की। अरे ये जो वारिस पठान बैठे हैं, इन्होंने एक बार गलती से गणपति बप्पा मोरिया बोल दिया था, 1 साल के लिए इनकी विदाई हो गई थी। आप मुझे बताइए जो ओवैसी जी आके जहर उगलते हैं अंसारी जी, कहते हैं कि मुसलमानों की आवाज बनूंगा तो बाकी हिंदू सिख ईसाई कहां जाएंगे, ये पद निरपेक्षता है। और ये वो है जो आतंकवादी। गौरव जी समय कम है, आपको यहां पर रोकना पड़ेगा। अनुराग भदौरिया जी, आप जब अखिलेश यादव 12 में मुख्यमंत्री बने थे, क्या जबरदस्त सबसे बड़ी जीत हुई थी आपकी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया, बीजेपी को सत्ता सौंप दी, और एक बार फिर से आपके पास मौका है तो वो आपके क्या कार्य होंगे कि यूपी की जनता आपको फिर से चुने? देखिए मैंने आपको बता दिया, बिना समय गवाए हम समाजवादी लोग विकास की राजनीति करते हैं, और डंके की चोट पे गिनाते भी हैं कि एक्सप्रेस में हमने बनाया आज भी गिनाते हैं, मेट्रो हमने बनाई आज भी गिनाते हैं, तो यहाँ पे हॉस्पिटल हमने बनाए आज भी हम गिनाते हैं, स्टेडियम बनाए हम आज भी गिनाते हैं, रिवर फ्रंट बनाए हमने आज भी गिनाते हैं, हमने यहाँ पे 100 डायल बनाए पुलिस मजबूत के लिए आज भी गिनाते हैं, महिला सुरक्षा के लिए 1090 बनाए आज भी गिनाते हैं, और आप तो जानेंगे कि हमने समाजवादी पेंशन दी, वृद्धा पेंशन दी और बेरोजगार भत्ता दिया, हम समाजवादी लोग तो काम गिनाते ही रहते हैं, लेकिन मैं आऊँ काम के नाम पे वोट मांगेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, यहाँ तो हमारे 5 मुख्यमंत्री बता रहे हैं, यहाँ तो मुख्यमंत्री ही नहीं है, यहाँ तो मुख्यमंत्री का ही पता नहीं चलता है, दिल्ली की बीजेपी है, उत्तर प्रदेश की बीजेपी है, बीजेपी में आपस का झगड़ा, 2 बीजेपी है वहां दिल्ली से, तो ये चल रहे हैं, इनके पास कोई फैसले नहीं होते, तो यहाँ मुख्यमंत्री नाम की चीज ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है। दूसरे गुंडों की बात है, यहाँ तो मुख्यमंत्री डिप्टी मुख्यमंत्री सब पे आपराधिक मुकदमे, 114 विधायक है जिसपे संगीन आपराधिक मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के, और ये अपने ही ऊपर से मुकदमे हटाए जा रहे हैं, पहले मुख्यमंत्री ऐसे जो अपने अपने कलम से अपने ऊपर मुकदमे हटाए। समय थोड़ा सा कम है रागिनी नायक जी, रागिनी जी सिर्फ और सिर्फ अगर मुद्दों की बात करें, कांग्रेस की खोई हुई जमीन पाने का कोई रास्ता आपको नजर आता है? सैयद अंसारी जी, मैं तो डिबेट में शुरुआत से कह रही हूँ, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा और जमीन तलाशी जाती है 5 साल जो हम लगे रहे, और उसका नतीजा मिलेगा चुनाव में, और उसका नतीजा भारतीय जनता पार्टी को भी मिलेगा जब जनता जमाएगी लात और निकालेगी बाहर। तो मैं जानना चाहती हूँ कि सेकी सेकेंडरी एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स नीति आयोग ने पिछले साल निकाला, जिसमें केरल नंबर 1 पर है, राजस्थान नंबर 2 पर, और उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है। ये घोटाले घोटालों की बात कर रहे थे, 30,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला उत्तर प्रदेश में योगी जी के नाक के नीचे हुआ, उस पर कोई जवाब नहीं है। फिरोजाबाद में हजारों लोग डेंगू बुखार से पीड़ित हैं, कल एक बहुत ही दुखद वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक पिता मेडिकल से अपने घर ले जाने के लिए यातायात का साधन नहीं मिला, अपनी बच्ची को साइकिल पे ले जा रहा था और घर जाकर उसकी मौत हो गई। योगी जी जो आप हाथ हिला रहे हैं ना इश्तहार में ऐसे ऐसे ऐसे, पहले देखिए आपके प्रदेश में क्या हो रहा है, कोरोना से इतने लोग मर गए कि राम नामी की चादर भी इनको खींचनी पड़ गई, और ये बात कर रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाएंगे, ये उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर गाल बजाने का काम कर रहे हैं। मैं एक बात और जोड़ना चाहती हूँ, आज अलीगढ़ में मोदी जी ने योगी जी की बहुत तारीफ की, तो मैं कहना चाहती हूँ ये अहो रूपम अहो ध्वनि नहीं चलेगा। वरिष्ठ पठान जी, घोड़े ऊंट ने गधे को देखा था, आप मुसलमानों के बहुत सारे आंकड़े तो गिनवा देते हैं, मुसलमानों को कितने घर मिले ये तो गिनवा देते हैं, लेकिन आप पर तो सीधे सीधे आरोप लगता है कि जहां आप जाते हैं बीजेपी को फायदा पहुंचा देते हैं, बीजेपी की बी टीम है, और कहीं ऐसा तो नहीं उत्तर प्रदेश में आगे जो थोड़ा बहुत भला हो रहा था मुसलमानों का वो और नुकसान हो जाए? नहीं, बिल्कुल गलत बेबुनियाद इल्जाम लगते जा रहे हैं सईद भाई हम पर। हमारे पास तो अभी 2019 का जब लोकसभा का चुनाव आया था तो हम तो उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं लड़े थे, फिर क्यों बीजेपी जीत गई, क्यों ये कांग्रेस समाजवादी बीएसपी हार गई, तो ये सब इनको करने तो देखिए। हम जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए, पिछले 5-6 सालों में वहां पर जो उत्तर प्रदेश की हमारी टीम है, हमारे जो प्रेसिडेंट है शौकत साहब, उन्होंने बहुत मेहनत की है, कैडर अच्छी तरह से तैयार किया है। देखिए मैं जा रहा हूं, हम जा रहे हैं वहां पर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट लीडरशिप तैयार करने, वारिस पठान को लीडर नहीं बनना ना मुझे कोई शौक है,
मैं भी जा रहा हूं वहां लोगों को जागरूक करने बताने के, जब आपके वोट से 8% वाला 7% वाला मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री बन सकता है, आपको रोकना पड़ रहा है 20% वाले उसमें उत्तर प्रदेश की जनता को क्या अट्रैक्ट करेगा, वो कौन से ऐसे योगी आदित्यनाथ के कार्य हैं आपको जो लगता है कि जो दोबारा लाएंगे या कुछ बदलाव हो सकता है? अवस्थी सर आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? सही जी बड़ी साफ सी बात है, जितना मैं सुन सका हूँ, यहाँ पर शोर भी बहुत है और ऑडियो बहुत कम था, मैंने पीसीआर से कहा था कि ऑडियो बढ़ा दे, लेकिन जितने मैं आपके सवाल से समझ सका हूँ, बड़ी साफ सी बात है। ऐसा क्यों होता है कि ओवैसी को बीजेपी की बी पार्टी कहते हैं? क्योंकि सबका वोट बैंक एक है और उसमें ओवैसी आ गया। ये खुलेआम नहीं कहते कि भाई मुसलमान हमें वोट दो, एसपी कहती हमें दो, बीएसपी कहती हमें दो, कांग्रेस कहती मेरा तो हमारा तो एक अधिकार है। अब ये तीसरा चौथा कहां से आ गया? इसलिए कहते हैं कोई विकास के नाम पर नहीं है, किसी और नाम पर नहीं है, ये ओवैसी ने। सर बहुत धन्यवाद, वक्त रागिनी जी कम से कम डिबेट को या किसी एक टीवी शो को प्रचार का माध्यम मत बनाइए, और आपके पास पूरा उत्तर प्रदेश है, आपकी पूरी टीम है, जाइए वहां पर। आप सभी का हमारे साथ इस समय जो शामिल थे, गौरव भाटिया जी, रागिनी नायक जी, अनुराग भदौरिया जी, वारिस बढ़ान जी, अवनिजेश अवस्थी जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद। अब्बा जान पर उत्तर प्रदेश में जबरदस्त राजनीतिक हलचल मची हुई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, चुनाव में क्या ये वाकई असर डालेगा, क्या वाकई हिंदू मुसलमान हो रहा है। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक। अब्बाजान चुनावी तान, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस शब्द पर उत्तर प्रदेश में खूब हलचल मची हुई है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता क्या फिर से हिंदू मुसलमान धर्म संप्रदाय ठाकुर ब्राह्मण पर वोट देगी या उसके लिए अपने मुद्दे महत्वपूर्ण हैं?